अयोध्या में कल बुधवार को आयोजित होने वाले पांचवें दीपोत्सव की तैयारियां जारी। राम की पैड़ी, सरयू घाट और रामकथा पार्क सहित अयोध्या के मंदिरों और मठों को सजाया गया। दीपावली पर्व श्रृंखला का उत्सव प्रदेश भर में छाया। राजधानी लखनऊ, वाराणसी और मथुरा सहित सभी स्थानों पर बाजारों में खरीदारों की बढ़ी रौनक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में वर्ल्ड लीडर्स समिट ऑफ COP26 को किया संबोधित। जलवायु चुनौतियों के मुद्दे पर की चर्चा और भारत का नजरिया रखा दुनिया के सामने। गंगा नदी से आम जन के जुड़ाव के उद्देश्य से 3 दिवसीय गंगा उत्सव की हुई शुरुआत। वाराणसी, बिजनौर और प्रयागराज सहित गंगा तटवर्ती सभी जिलों में मनाया जा रहा है उत्सव। नमस्कार, मैं हूं समरीन सिद्दीकी और अब समाचार विस्तार से। दीपावली उत्सव श्रृंखला के तहत कल बुधवार को अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में देश भर के लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान राम की लीलाओं पर आधारित झांकियां भी शामिल की जाएंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित अन्य नेतागण भगवान राम के अयोध्या वापसी पर उनका प्रतीकात्मक राज तिलक करेंगे। इस अवसर पर अयोध्या में सरयू के घाटों पर दीप दान का भव्य कार्यक्रम और रामलीलाओं को लेजर शो के माध्यम से मंचन भी होगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव के समापन के साथ ही पांचवें दीपोत्सव की तैयारियां की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्रीय कलाकारों और रंगकर्मियों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। दीपोत्सव की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों की बैठक भी की। योगी आदित्यनाथ ने रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राम को देश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, राम संपूर्ण विश्व के जन जन में व्याप्त हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को धनतेरस की हार्दिक बधाई देते हुए उनकी सुख समृद्धि की मंगल कामना की है। शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में अर्थ सहित 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं और आज के दिन वैद्यगढ़ भगवान धन्वंतरी की पूजन भी करते हैं। उन्होंने कहा कि धनतेरस और धन्वंतरी जयंती के अवसर पर अर्थ के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने का भी संकल्प लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से दीपावली उत्सव के पर्वों के दौरान COVID-19 के प्रोटोकॉल को पूर्ण पालन करने की भी अपील की है। प्रदेश भर में आज दीपावली पर्व उत्सव का उल्लास छाने लगा है। आज धनतेरस के साथ ही नरक चतुर्थी और हनुमान जयंती, दीपावली, गोधन पूजा और भैया दूज के उत्सवों का उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। राजधानी लखनऊ और मथुरा सहित प्रदेश भर में दीपावली की खरीदारी के लिए बाजार सज गए हैं। मथुरा में दीपावली से पहले धनतेरस पर दुकानों पर ग्राहकों की खरीदारी से बाजार गुलजार हो रहे हैं। कोरोना संकट के चलते लगातार 2 साल त्योहारों के दौरान भी बाजार से रौनक गायब रही, लेकिन महामारी के नियंत्रण में आने के बाद इस साल बाजार में चहल पहल है। शहर की ज्यादातर छोटी बड़ी दुकानों को आकर्षक लाइटिंग और नए नए उत्पादों से सजाया जाने लगा है। व्यापारियों ने ग्राहकों के लिए कई आकर्षक स्कीम और छूट देना शुरू कर दिया है। धनतेरस दिवाली लक्ष्मी जी की पूजन का त्यौहार है। धन संपदा और शांति के लिए लक्ष्मी जी का दिवाली पर विशेष पूजन किया जाता है। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। जो है पूरी तरीके से उसमें भागीदारी करता है और बड़े हर्षोल्लास से मनाता है। हर साल की बात ही इस साल भी हम देख रहे हैं, शुरुआत में तो लग रहा था कि बाजार कुछ ठंडा रहेगा, मगर आप जैसे लोगों का रुझान देखते हुए और आते जा रहे हैं उससे लग रहा है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी उतने ही हर्षोल्लास से लोग अपने दीपावली का त्यौहार धनतेरस के त्यौहार तैयारियां कर रहे हैं। दीपावली को लेकर बहुत जोरों से तैयारियां हैं। नया स्टॉक आया हुआ है, ग्राहकों की अच्छी भीड़ है, अच्छा कलेक्शन आया हुआ है और हम कल धनतेरस है और आज 1 तारीख है, 4 तारीख तक मतलब दिवाली की तैयारियां चल रही हैं पूरी और ग्राहकों में बहुत उत्साह बना हुआ है। दिवाली में अच्छी भीड़ रही है और इतवार को भी काम अच्छा रहा था और 2 दिन हम ये उम्मीद करते हैं काम और भी अच्छा जाएगा। धनतेरस के उपलक्ष्य में हम लोग खरीदारी करने आए हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन 1 बर्तन नया पूजा के लिए खरीदना चाहिए, वही खरीदारी हम लोग बाजार में आज आके कर रहे हैं और बाजार में बहुत उत्साह है धनतेरस का और बड़ी उत्साह से लोग खरीदारी कर रहे हैं और हम ही उसी प्लस में खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। जो हमारे और कप्तान साहब के द्वारा जो शहर का भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है वहां पर पैदल मार्च किया गया सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, ताकि जनता के बीच सुरक्षा का भाव भी रहे, साथ ही साथ आगामी त्यौहार के दृष्टिगत
जो सतर्कता है उसको बनाया जा रहा है। विभिन्न विभागों के द्वारा सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। बिजली आपूर्ति कहीं से भी किसी भी हाल में कटौती न हो उसे सुनिश्चित किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा और पंचायती राज विभाग के द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। जो हमारे सभी मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत हॉस्पिटल्स हैं वो सुचारू रूप से एक्टिवली ऑन टोज रहें और सुनिश्चित करें कहीं पर भी जैसी आकस्मिकता हो उसके लिए तैयार रहें। वाराणसी की बात की जाएगी तो काशी में धनतेरस का विशेष महत्व होता है। इसी दिन में मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धनतेरस का दिन मां अन्नपूर्णा जिनके बारे में कहा जाता है कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता है, आज से 3 दिन के लिए पूजा शुरू हो गई है और लगातार मां अन्नपूर्णा के दर्शनार्थी यहां पे दर्शन के लिए आ रहे हैं और आएंगे, क्योंकि बहुत मान है काशी में मां अन्नपूर्णा का उसी तरह से जैसे अस्वाबा विश्वनाथ का। माँ का आशीर्वाद है विश्व के लिए कि सब धन धान्य से परिपूर्ण हो, सबकी उन्नति हो, कोरोना जैसी बीमारी से दूर रहे हम, बीमारी समाप्त हो और पूरे विश्व का कल्याण हो। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, माँ अन्नपूर्णा मंदिर, वाराणसी। दीपावली के पर्व पर प्रयागराज के दिव्यांग कलाकार डिजाइनर मोमबत्ती बनाकर लोगों के घरों और दुकानों को रोशनी से जगमगाने के प्रयास में लगे हुए हैं। इन दिव्यांग कलाकारों द्वारा कलश, मटका, स्टार, क्रिसमस ट्री, हाथी, नाव, महाराजा, दरबार, दीपक और गुलाब सहित 15 से अधिक डिजाइनों में आकर्षक रंग बिरंगी मोमबत्तियां तैयार की जा रही हैं। प्रयागराज के समाजसेवी और दिव्यांगों के लिए काम करने वाले नारायण यादव ने अपने घर पर इसके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई मोमबत्तियां आम आदमी तक पहुंचे इसके लिए प्रयागराज में कई जगह स्टॉल लगाकर मोमबत्तियों की बिक्री की व्यवस्था की गई है। मोमबत्ती बनाने वाले दिव्यांग कलाकारों में इस बात का भी उत्साह है कि वे खुद की बनी मोमबत्तियों से होने वाली आय से अपनी और परिवार की दीपावली मना सकेंगे। ये लोग मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कहना था कि हम लोग खुद आत्मनिर्भर बने, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग विकलांग साथ ही जो है प्रधानमंत्री जी के जो है कहे हुए बातों पे जो है चलें और जो है अपने देश को जो है आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें। इसलिए हम लोग जो है विगत 3 वर्षों से लगातार जो है मोमबत्तियाँ जो है तरह तरह की बनाते हैं और हम लोग चाहते हैं कि खुद अपने द्वारा निर्मित जो है मोमबत्तियों से अपने घर में भी दिए जलाएँ और दूसरे के भी घर में प्रकाश लाएँ। जिसे समाज ये सोचता है ये विकलांग है, ये कुछ कर नहीं सकते हैं, तो पहले तो ये मिसाल है कि ये सब कुछ कर सकते हैं। और इन्होंने जो यहाँ पे मोमबत्ती और जो भी चीज़ें बनाई हैं वाकई ये बाज़ारों में देखने लायक नहीं है, मिलेंगी और इससे जो भी है वो आके इनके मतलब मोमबत्तियों को खरीदे, इनके मनोबल को बढ़ाए। दिव्यांग साथियों का अत्यंत सराहनीय प्रयास है, जहाँ एक तरफ छोटे भाई सिन्हान यादव जी के इस मुहिम से तमाम दिव्यांग साथियों को आत्मनिर्भर होने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और हम आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित वर्ल्ड लीडर्स समिट ऑफ COP26 के अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा की और पूरी दुनिया को अहम संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पेरिस जलवायु सम्मेलन में सिर्फ वादे करना उद्देश्य नहीं था, पूरी मानवता की चिंता लेकर आया था। पेरिस का सम्मेलन 125 करोड़ भारतीयों के लिए एक भावना थी, प्रतिबद्धता थी। विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद भारत की कार्बन उत्सर्जन में भागीदारी सिर्फ 5% रही है। भारत एक ऐसा देश है जो पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उसकी भावना के तहत अक्षरशः कार्य कर रहा है। भारत जलवायु परिवर्तन के ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाता है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है और एलईडी बल्ब उत्सर्जन अभियान से 40 मिलियन टन उत्सर्जन प्रतिवर्ष कम कर रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के साथ सहयोग के लिए संस्थागत समाधान किए हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की पहल की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लासगो में अपने भाषण के दौरान भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा। COP26 सम्मेलन में पंचामृत प्लान के दौरान प्रधानमंत्री ने 2030 तक देश के 50% ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने की बात कही है। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए वन वर्ल्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि वन वर्ल्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है। ये एक शब्द है LIFE यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। प्रधानमंत्री ने COP26 के मंच पर विकासशील देशों की भी पैरवी की। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफ स्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ पहुंची। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों तथा एक जिला एक उत्पाद योजना के उत्पाद ब्लैक पॉटरी और जैविक उत्पादित नर्सरी सब्जियों और प्राकृतिक खेती का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने आजमगढ़ के पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और विभिन्न सरकारी योजनाओं की धनराशि के चेक का वितरण किया। राज्यपाल ने आजमगढ़ के टोरा स्थित कारागार में बंदियों से मुलाकात की और उन्हें उपहार प्रदान किए। राज्यपाल ने कृषि महाविद्यालय में प्रांगण में वृक्षारोपण कर छात्रों और द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों से भी मुलाकात की। हापुड़ जनपद में बीजेपी के संगठन की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्ष और प्रभारियों को आगामी चुनाव 2022 की जीत का मंत्र दिया। श्री मौर्य ने पत्रकारों से वार्ता में अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है, उन्हें इस पर देश से माफी मांगनी चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी, जो मैं उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, समाजवादी पार्टी पूरी नमाजवादी पार्टी बन करके देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान किया है, देश की आज़ादी दिलाने वालों का अपमान किया है और इसके लिए उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है, उन्हें देश से माफ़ी मांगनी।
औद्योगिक नगरी कानपुर के लाजपत भवन मोती झील में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई श्रम कार्ड वितरित किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि देश के असंगठित मजदूर वर्ग के लगभग 38 करोड़ श्रमिकों के कल्याण हेतु नेशनल डेटाबेस ई श्रम पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिससे श्रमिकों को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार बार पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने पर कोई भी श्रमिक सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेंगे। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने पर असंगठित वर्ग के श्रमिकों को एक यूएएन कार्ड मिलेगा, जो देश के सभी राज्यों में लागू होगा। इससे सामाजिक सुरक्षा योजनाएं सभी श्रमिकों तक पहुंचेंगी और सरकार की योजनाओं का लाभ पूरे देश में मिलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए एक टारगेट रखा गया है, जिसमें 6 करोड़ लोगों को हम ई श्रम कार्ड देंगे। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा एक स्टेट है और बहुत ज़्यादा यहाँ हमारी असंगठित श्रमिक है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस स्टेट में ज़्यादातर हम कैंपिंग करें और यहाँ जो हमारी टारगेट है वो टारगेट कंप्लीट हो, क्योंकि ई श्रम कार्ड असंगठित जो हमारी श्रमिक है, जिसकी पीएफ, जिसका टैक्स जमा नहीं होता है, उन लोगों को हम लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिसमें हमारी मनरेगा के वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, गिग वर्कर्स, आंगनबाड़ी कर्मी, हमारी आशा कर्मी, इन लोगों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और मेरा पूरा विश्वास है यहाँ हमारी सरकार भी हमें पूरा हेल्प कर रहे हैं, और जिसके कारण से हम अभी तक 1 करोड़ लोगों को रजिस्ट्रेशन करा चुका है। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक समारोह में 1 नवंबर से भारत निर्वाचन आयोग के राज्यव्यापी विधानसभा निर्वाचक नामावली संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधानसभा निर्वाचक नामावली संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। इस दौरान पहली बार मतदाता बनने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के साथ ही मतदाता सूची में संशोधन और नामों को स्थानांतरित करने तथा रद्द करने सहित मतदाता के पते को शुद्ध करने की भी कार्रवाई की जा सकेगी। कार्यक्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी और लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः आह्वान कर रहे हैं विशेष तौर पर हमारे युवा साथीगणों से, जो 1 जनवरी 2022 को अर्हता तिथि को 18 साल या उससे ऊपर के हो रहे हैं, वो अनिवार्य रूप से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। साथ ही जो लोग छूट गए हैं वो भी अपना नाम दर्ज कराएं। साथ ही किसी को करेक्शन कराना है या जो उसके मतदाता सूची में त्रुटि है उसको भी करा सकते हैं। ये 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक दावे आपत्तियां ली जाएंगी, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग भी होगी और 20 दिसंबर तक इसकी पूरी प्रोसेसिंग करके 5 जनवरी 2022 को इसका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इटावा में भी मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का आयोजन कल से शुरू हुआ। ये 30 नवंबर तक चलेगा। इसके तहत 1 जनवरी 2022 को 18 साल की उम्र पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकता है। इस अभियान में 7, 13 और 27 नवंबर को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसमें बीएलओ अपने बूथों पर उपस्थित रहकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान से जुड़ा काम करेंगे। अन्य तिथि में वे घर घर जाकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी बीएलओ को निर्वाचन विभाग से नई मतदाता सूची सौंप दी गई है। गांव के लोग भी इसे देखकर अपने वोट की स्थिति देख सकते हैं। अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वो इसे दर्ज करा सकते हैं। महिलाएं और युवा बढ़ चढ़कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। इसके लिए कार्रवाई की जा रही है, किया गया है, जिसमें कि 1 महीने तक इसमें फॉर्म प्राप्त किए जाएंगे, जो फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 प्राप्त किए जाएंगे और उन पे जब 1 महीने के अंदर लोग अपनी अपनी मतदाता सूची का जो प्रारंभिक प्रकाशन है वो आज हो गया है, उसमें जो भी कमियां अगर किसी को लगती हैं तो उसके संबंध में वो लोग जो
फॉर्म्स हैं उनको भर करके सबमिट करेंगे। उसके बाद जब ये समय खत्म होता है उसके 15 से 20 दिन के अंदर सभी जो आपत्तियां आएंगी उस प्रारंभिक मतदाता सूची में उनका निराकरण होगा और निराकरण होने के बाद फाइनल जो पब्लिकेशन है वो 5 जनवरी को होगा। और इसमें इसके संबंध में सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं विभिन्न पार्टी से संबंधित उनसे भी उनको भी जागरूक करने के लिए उनके साथ भी बैठक हुई है, उनको भी जागरूक किया गया है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की 13वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस वर्ष भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन किया गया। 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर 2021 तक चलने वाले इस कार्यक्रम को कोरोना संकट के चलते वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य जनभागीदारी को मजबूत बनाना है। लगातार 4 सालों की तरह इस बार भी हाजिर है गंगा उत्सव। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक होगी गंगा संरक्षण की बात। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उत्तराखंड में गंगा पर चलाए जा रहे नमामि गंगे प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी का आयोजन किया और गंगा उत्सव 2021 की औपचारिक शुरुआत की। अनुराधा पौडवाल ने इस अवसर को अपने सुरों से रोशन किया। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद गंगा उत्सव 2021 नदी उत्सव का रूप ले चुका है, जहां गंगा सहित तमाम नदियों के किनारे गंगा मशाल पहुंचेगी और नदी संरक्षण की अलग जगाएगी। उत्सव के दौरान ही कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल यानी क्लैप्स को लॉन्च किया गया। प्रज्ञा तिवारी की गंगा पर कविता संग्रह, गंगा एटलस और गंगा डॉल्फिन से जुड़ी पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। 1 घंटे के भीतर गंगा पर सर्वाधिक हस्तलिखित भावनाओं को एक मंच पर अपलोड करने का अनोखा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि गंगा से पवित्रता और आस्था का भाव जगता है। देश की आबादी का 40% हिस्सा आजीविका के लिए गंगा पर निर्भर है। गंगा हमारी संस्कृति की पोषक भी है। गंगा के प्रति हमारी प्रतिबद्धताएं हैं। देश में और दुनिया में सभी लोग इस परिवर्तन को स्वीकार करने लगे, लेकिन इस स्वीकार्यता के साथ साथ में इस स्वीकार्यता को निरंतरता प्रदान करने के लिए कि अक्षुण्ण बनी रहे, हमेशा बनी रहे, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ जाती हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नदियों को हमने क्या दिया है इसका आकलन करने का समय आ गया है। कुंभ में गंगा स्वच्छ दिखी, इसकी गुणवत्ता को निरंतर बनाए रखने के लिए हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आज इस समय में जब पूरी दुनिया में हो रहे सारे जो चेंजेस हैं, जिस तरह से पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, कल क्लाइमेट में जो जिस तरह से चेंजेज आ रहे हैं, उसके कारण से जो चुनौतियां बन रही हैं, पूरा विश्व जब उन चुनौतियों को लेकर के व्यथित भी है, चिंतित भी है, भयभीत भी है, तब हम सब लोगों के सामने ये अवसर है कि हम इस बात का आकलन करें कि इन सभ्यताओं के विकास में नदियों ने जो हमको इतनी सदियों तक, सहस्त्राब्दियों तक जो हमको जीवन दिया, लेकिन इन सब वर्षों में, इन सहस्त्र सहस्त्र वर्षों में हमने नदियों को क्या दिया है, इस बात का आकलन करने का अब समय आ गया है। इस बार देश भर में 150 जिलों में गंगा उत्सव को मनाया जाएगा। इस बार यह उत्सव आजादी के 75 साल यानी कि आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आप www.gangautsav.in और नमामि गंगे के सोशल मीडिया के माध्यम से इस उत्सव में हिस्सा ले सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे देशव्यापी गंगा उत्सव के अंतर्गत बिजनौर जिले के गंगा बैराज पर 3 दिवसीय गंगा उत्सव 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। छात्र छात्राओं द्वारा गंगा संरक्षण पर शानदार प्रस्तुति के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से गंगा संरक्षण के कार्यक्रम में गंगा की स्वच्छता तथा उसकी सांस्कृतिक पहचान को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में 5100 दीपों को प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाया गया। जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि गंगा अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के जीवन जीने की प्रेरणा देती है। गंगा का अवतरण ही मानव कल्याण के लिए हुआ है। गंगा को अपने पुराने स्वरूप में लाने के लिए केंद्र तथा प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। गंगा के प्रति लोगों की श्रद्धा है, जो भाव है, बहुत अविरल रूप से लगातार निरंतर चलता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार और प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में गंगा की शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए इस प्रकार के आयोजन लगातार हो रहे हैं। संरक्षण करेगा।
पवित्र गंगा नदी को संरक्षित करें, इनको निर्मल बनाए रखें, प्रदूषण से मुक्त रखें, इसी भावना को ध्यान में रख करके आज आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के तत्वाधान में सोनभद्र जिले के गोरावल क्षेत्र में एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों और क्षेत्रीय किसानों ने भाग लिया। कार्यशाला के सत्रों में किसान की खेती और उससे जुड़े व्यवसाय की जानकारी दी गई और उनकी आय बढ़ाने के लिए कृषि से जुड़े हुए अन्य व्यवसायों के विषय में भी बताया गया। नाबार्ड का उद्देश्य सभी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराकर छोटे और मझोले किसानों को लाभान्वित करना है, जिससे वे खेती के साथ उससे जुड़ी हुई अन्य व्यवसायों के सहारे भी कुछ बेहतर कर सकें। हर साल कोऑपरेटिव बैंक को और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हम लगभग 7,000-8,000 करोड़ रुपया पुनर्वृत्ति देते हैं। हमारी दो बड़ी परियोजनाएं होती हैं नाबार्ड की, एक जिसको हम वाडी परियोजना कहते हैं, जो आदिवासी जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए है केवल, और एक जलागम या वाटरशेड परियोजना कहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में सभी के लिए है। तो सोनभद्र में जैसे मैं समझता हूँ करीब 700 से 800 जो हमारे आदिवासी परिवार हैं उनके साथ नाबार्ड वाडी के जरिए काम कर रहा है, साथ ही साथ कौशल उन्नयन के लिए लोगों को प्रशिक्षण मिले, उनको जो आता है उसको और बेहतर कर सकें, बेहतर खेती कर सकें, बेहतर कारीगरी कर सकें, उसके लिए भी नाबार्ड अपनी संस्थाओं के साथ पैसा देके उनके साथ काम करता है। ट्रैफिक नियमों को लेकर बाराबंकी जिले में चलाए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान के तहत जिले में उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में यातायात माह नवंबर 2021 का शुभारंभ किया गया। यातायात जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन डॉ एस एन साबत ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में बताया गया कि वाहनों को सावधानीपूर्वक व नियमानुसार चलाएं, बाइक ड्राइव करने के दौरान हेलमेट का उपयोग अवश्य करें, तेज वाहन न चलाएं, चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें, साथ ही वाहन चलाते समय नशीली पदार्थों का सेवन न करने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही साथ कार्यक्रम में साइबर जागरूकता अभियान को लेकर भी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। इस नवंबर तक चलेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में बहुत दुर्घटना होता है, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी दुर्घटना होते हैं और दुर्घटना में भारत में एवरेज आप माने तो 1,40,000 से 1,50,000 तक लोगों की मृत्यु पर ईयर होता है अगर आप लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स को ले तो इसीलिए आवश्यक है कि हम लोग सबको जागरूक करें और ये कम हो। और जो मुख्य है ट्रैफिक का, जो चार मुद्दे हैं 4 E's कहा जाता है, ट्रैफिक एजुकेशन, ट्रैफिक एनफोर्समेंट, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ट्रैफिक में इमरजेंसी केयर, ये चारों को कैसे हम लोग इम्प्रूव करें इसके बारे में हम जनता को जागरूक करना है, इस यही उद्देश्य है। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज यूपी पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DDNewsUP। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DD News UP। अयोध्या के मंदिरों और मठों को सजाया गया। दीपावली पर्व श्रृंखला का उत्सव प्रदेश भर में छाया। राजधानी लखनऊ, वाराणसी और मथुरा सहित सभी स्थानों पर बाजारों में खरीदारों की बढ़ी रौनक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP26 को किया संबोधित। जलवायु चुनौतियों के मुद्दे पर की चर्चा और भारत का नजरिया रखा दुनिया के सामने। गंगा नदी से आमजन के जुड़ाव के उद्देश्य से 3 दिवसीय गंगा उत्सव की हुई शुरुआत। वाराणसी, बिजनौर और प्रयागराज सहित गंगा तटवर्ती सभी जिलों में मनाया जा रहा है उत्सव। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।